हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मैट लुक के ब्रांड का ये आईब्रो पैलेट। सो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है गाइस, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये आईब्रो पैलेट की आउटर पैकेजिंग है गाइस, ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रिसीव होती है। मेरा काफ़ी छोटा है पैलेट, आप देख सकते हो कितना छोटा है। बहुत हैंडी है ये, सो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी है। और ये इसका बैक साइड है। मेरा जो शेड है, शेड नंबर 2 है। इसमें टोटल 4 शेड्स हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, आप देख सकते हो। ये क्वांटिटी टोटल 8 ग्राम है और इसकी MRP गाइस 249 रुपीज़ इसकी MRP है। बट ऑफ कोर्स आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, अंडर 200 में मिल जाएगा आपको ये। और इसमें शेल्फ लाइफ मेंशन नहीं है, बट इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है गाइस, बहुत प्यारी है इसकी पैकेजिंग। इसका जो पैलेट है काफ़ी स्टर्डी है। सो ये इसका इनर लुक है, इट कम्स विद दिस स्मॉल मिरर। और ये इसके शेड्स हैं, लाइट ब्राउन शेड है और ये डार्क ब्राउन शेड है गाइस। गाइस मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि आप अपने आईब्रोज पे कौन सा शेड लगाएं जो कि आपको बहुत नेचुरल लुक देगा, देन ऑलवेज पिक डार्क ब्राउन शेड। डार्क ब्राउन शेड जो है हर एक इंडियन स्किन टोन पे जाता है, बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देता है। लाइट ब्राउन शेड है और जो ब्लैक शेड है, ये दोनों काफ़ी अननेचुरल दिखते हैं फेस पे। डार्क ब्राउन शेड है हमेशा इंडियन स्किन टोन पे नेचुरल इफेक्ट देता है, तो मैं हमेशा डार्क ब्राउन शेड ही चूज़ करती हूँ। अगर आप आईब्रो पेंसिल भी परचेस करते हो तो कभी भी ब्लैक मत लेना गाइस, हमेशा डार्क ब्राउन शेड लेना, वो आपके आईब्रोज को बहुत ही नेचुरल लुक देगा। सो इट कम्स विद दिस एंगल ब्रश, इसकी ब्रश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसका बैक साइड है, ये कुछ स्पंज जैसा है गाइस, मुझे नहीं पता इसका यूज़ क्या है, बट आई थिंक ये आईब्रोज फिल करने के काम आता होगा। मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ गाइस, बहुत ही पिगमेंटेड है ये आईब्रो पैलेट। मतलब आईब्रोज के लिए इतना पिगमेंटेशन ठीक ही रहता है कि उसका जो पिगमेंट है बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा है। मैं आपको लाइट शेड दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी है। ये आईब्रो पैलेट्स के जो ये शेड्स हैं गाइस, दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, प्लस वाटर प्रूफ है एंड स्मच प्रूफ भी है। जब आप इसे अपने आईब्रोज में लगाते हो गाइस, तो ये 4 to 5 आवर्स तक ईजिली आपके आईब्रोज में रहता है। और गाइस की एक और अच्छी बात है कि ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं करना पड़ता ब्लेंड करने में, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है ये। ये जो भी मैंने रिव्यू दिया है गाइस, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पैलेट है गाइस, मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है गाइस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। सो लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय।